अगस्त मास आते ही हमें मीठी प्यारी दादी याद आती है। अगस्त मास में भी जब 25 अगस्त दादी का पुण्य तिथि दिवस होता है, तब दादी के अंग संग की स्मृतियाँ हमारे मन में तरोताजा हो जाती है। और मैं यही कहूँगी कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में दादी एक रोल मॉडल रही है। मैंने देखा है दादी को बहुत करीब से अंग संग रह करके कि दादी की वाणी और कर्म ये दोनों ही बहुत ही समान मैंने देखे हैं। दादी जी आध्यात्मिक ज्ञान हमें शब्दों में तो सुनाती थी, लेकिन शब्दों के साथ साथ हमने उनके स्वरूप से, उनके कर्मों से हमें बहुत ही शिक्षाएं और प्रेरणाएं हैं वो मिलती रही है। दादी जी की देखा है जीवन में कि दिव्य गुणों से हमने दादी के जीवन को श्रृंगारा हुआ देखा है। और दादी के जीवन में मधुरता, नम्रता और पवित्रता की दादी जैसे कि एक मूर्ति थी। और देखते हैं कि दादी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका होते हुए भी उनके जीवन में हमने नम्रता देखी। मैंने देखा कि इस विश्व के कितने नामी ग्रामी फेमस VIPs को दादी मिलती थी तो झुक करके और इतने सम्मान और इतने प्रेम के साथ मिलती थी कि उन्हें भी दादी जी से एक अपनेपन की महसूसता होती थी, अपनापन उनसे लगता था। अर्थात मैं कहूँगी कि ये कला थी कि दादी हर व्यक्ति को अपना बना लेती थी। ज्ञान और योग के साथ साथ दादी के जीवन में हमने रमणीकता भी देखी। हमने देखा कि छोटे बच्चे हो, युवा हो, वृद्ध हो, समय प्रति समय जिस भी एज के व्यक्ति हो उनके साथ दादी उसी प्रकार से पेश आती थी। और उनके साथ हमने देखा है कि दादी के जीवन में गंभीरता के साथ साथ रमणीकता भी महसूस की है कि हमारे समान होकर दादी हमें पीस पार्क में ले जा करके हमारे साथ कई प्रकार की गेम है इतनी इनोसेंट हो करके खेलती थी। एज से बड़ी लेकिन उनकी इनोसेंट अवस्था और स्टेज वो जैसे बच्चे के माफिक निर्दोष दादी महसूस होती थी, हमें देखने को मिलता था। दादी के जीवन में लव और लॉ का भी हमने जबरदस्त बैलेंस, संतुलन भी दादी के जीवन में हमने देखा है। ये तो हुई बातें दादी के जीवन में जो हमने देखा। लेकिन दादी के साथ के मुझे आज कुछ प्रसंग भी याद आ रहे हैं। जब मैं पहली बार मधुबन में पार्टी लेकर के जाने वाली थी तो मुझे था कि मैं पार्टी संभाल पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैं पार्टी लेकर के गई तो दादी इतनी बड़ी होते हुए भी दादी ने मुझे इतना निश्चिंत किया कि दिव्या तू पहली बार ये पार्टी लेके आई है, कोई बात नहीं, तुझे कोई भी प्रकार की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कहना। और समय प्रति समय दादी मुझे पूछती रहती थी। मैंने देखा कि मुझे पार्टी को संभालना था, लेकिन ये मुझे महसूस होता था दादी से कि दादी मुझे संभाल रखी है। तो ये भी दादी के अंग संग रह करके इन विशेषताओं को मैंने देखा। उतना ही नहीं, लेकिन जब सेवा की जब बात आती थी तो भी दादी बहुत ही हमें प्रोत्साहन देती थी। उसमें भी विशेष मेडिटेशन के, बाबा के प्यार के गीत बनाने की बात आती थी तो दादी हमेशा कहती थी मुझे
कि दिव्या तो साल में एक बाबा के प्यार की याद की गीतों की कैसेट जरूर बनाओ। और हम देखते थे कि इतने व्यस्त होते हुए भी वो गीत के एक एक शब्दों को दादी ध्यान से पढ़ती थी, पास करती थी। और जब सीढ़ी बन जाती थी तो दादी उन गीतों को भी बहुत ही ध्यान से एकाग्रता से सुनती थी। और जब वे मुझे मिलती थी तो दादी कहती थी, दिव्या मैंने माउंट आबू से आबू रोड आते हुए मैंने एक गीत सुने और बहुत ही बाबा की याद के गीत मुझे पसंद आए। तो ऐसे जो भी कलाएं हमारे जीवन में थी दादी प्रोत्साहन दे करके हमें आगे बढ़ाती थी। तीसरा भी प्रसंग मुझे याद आता है कि यहाँ बॉम्बे से फिल्म कलाकारों को लेकर के एक टेलीफिल्म बनाने के लिए हम माउंट आबू में गए थे। तभी भी दादी ने सब डिपार्टमेंट के भाई बहनों से मिलकर इतना हमें उस कार्य के लिए सहयोग दिया, उमंग और उत्साह भरा। और दादी ने कहा कि बहुत ही अच्छा, दादी को उमंग था कि भाई पहली बार ऐसे फिल्म कलाकारों के द्वारा दिव्य ज्योति करके ये फिल्म बन रही है। तो दादी ने उसमें भी हमें बहुत ही सहयोग दिया। मुझे और भी प्रसंग याद आ रहा है कि जब बॉम्बे से फर्स्ट टाइम पूरी स्पेशल ट्रेन जो कि योग शिविर के चाहक उनको हम जिज्ञासुओं को ले करके माउंट आबू गए थे, तभी भी दादी को बहुत ही खुशी थी कि यज्ञ में पहली बार ऐसा है कि स्पेशल ट्रेन भर करके राजयोग शिविर के लिए इतने भाई बहने आबू में पहुँचे हैं। और दादी मधुबन निवासी को भी कहती थी, क्योंकि वो स्पेशल ट्रेन 3 दिन नीचे ही थी और बहुत सुंदर सजाया था, तो दादी कहती थी जा करके देख के आओ कि कितनी अच्छी ट्रेन सजाई है और एक साथ इतने लोगों को शिविर करने के लिए लेके आए हैं। तो दादी के इस प्रोत्साहन से एक बार नहीं लेकिन 5 बार ऐसी स्पेशल ट्रेन लेकर के हम माउंट आबू में योग शिविर के लिए भाई बहनों को हम लेकर के गए थे। और उसी के साथ मुझे याद आता है कि मैं कांदीवली में रहती थी, कला दादी मेरे साथ रहती थी जो दादियों के समय ही यज्ञ से सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। और उनकी एज होने से तबीयत काफ़ी नरम रहती थी और खुद अपना कुछ भी चल फिर नहीं पाती थी, कर नहीं सकती थी। और उनकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि एक बार मुझे माउंट आबू में अभी ले करके जाओ। और इसलिए यहाँ से वहाँ आबू में ले जाना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, क्योंकि तब बॉम्बे से आबू के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। हम वाया बस ही उनको वहाँ ले के गए। और जब वहाँ पहुँचे कमरे में, तुरंत ही प्रकाशमणि दादी कमरे में मिलने के लिए आई और दादी ने कहा कि दिव्या तुम श्रवण के जैसे तुमने एक कला दादी की सेवा की है, तब मेरे नैन है वो भर के आए कि दादी का इतना प्यार हम बहनों के साथ था और जो भी सेवाएं करें उसके अंदर दादी प्रोत्साहन और उमंग और उत्साह है वो भरती रही। साथ साथ मुझे याद आता है बोरीवली की सेवाओं को देख करके दादी हमेशा बहुत खुश होती थी। और बोरीवली में कई जगह छोटी होने के कारण कई शिफ्ट में क्लास चलते थे, तो हमें भी होता था, दादी को भी होता था कि वहाँ की सेवाओं के हिसाब से बड़ा एक स्थान है वह होना चाहिए। जो अभी दादी के ही वो प्रेरणा कहे शुभ संकल्पों से बोरीवली के अंदर प्रभु उपन के नाम से भवन बना है और उसी के अंदर भी कई प्रकार की परीक्षाएं तो आती ही हैं, लेकिन दादी का साथ और सहयोग रहा जिनसे ही हम ये भवन बनाने का कार्य कर सकें। नहीं तो मुझे लगता है कि
कि यदि दादी का सहयोग और उनकी प्रेरणा न होती तो हम शायद ये प्रभु उपवन को निर्माण नहीं कर सकते थे। इसी तरह से दादी ने इतना हमें अपने जीवन के अंदर प्रेरणाएं, शिक्षाएं और सहयोग का अनुभव, और इसीलिए दादी से जब भी मिले तो बिल्कुल अपनेपन का अनुभव होता था और बहुत ही हम लाइट होकर के दादी के पास चले जाते थे, अपनी मन की बातें करते थे और दादी बहुत ही सुंदर उनका सॉल्यूशन भी हमको देती थी। एक बार दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, दादी कॉटेज में मैं दादी को मिलने के लिए गई और दादी के प्रति उस समय पर अचानक मेरे दादी के प्रति प्यार के ऐसे भाव उभर करके आ रहे थे। दादी जी को मैंने कहा कि दादी मैं आपको है ना एक गीत सुनाना चाहती हूँ। दादी ने कहा भले, और दादी दृष्टि देखती रही मुझे और मैं प्यार से दादी को मैंने एक गीत सुनाया जिसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार की का बिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा जी हमें मंजूर है, आपका ये फैसला जी हमें मंजूर है, आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। मुझे महसूस हो रहा था कि दादी ने मुझे परमात्म प्यार के काबिल समझा और मुझे बाबा के कार्य में शामिल कर दिया। ये मुझे दादी से महसूस व अनुभूति होती थी जो मैंने इन गीत के द्वारा दादी के आगे शब्दों में रखा, और दादी ने बहुत ही मुझे दृष्टि दी, मेरे में शक्ति भरी और मेरा जो संकल्प था दादी के प्रति वो मैंने गीत के माध्यम से दादी के आगे रखा। ओम शांति। दादी प्रकाशमणि।